ओहो, कितनी दूर चली गई, अब क्या करें? वो देखो खाली बोतल, चलो हम एक खेल खेले। पर वो कैसे? ये तो बिल्कुल आसान है, मैं ये बोतल पानी में फेंकता हूँ, वो तैरने लगेगी, हवा उसे यहाँ वहाँ लहराती ले जाएगी, यही तो है हमारा खेल। बचाओ! मुझे लगता है यहाँ पे कोई डूब रहा है। हाँ, पर यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों, कोई डूब नहीं रहा, मैं तालाब ही बोल रहा हूँ। क्या हुआ? ये प्लास्टिक की बोतल किसने फेंकी? मैंने, लेकिन हम तो सिर्फ खेलने वाले थे। बेटा, लेकिन तुम्हारे इस खेल से मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। आप लोग यहाँ पे प्लास्टिक, कूड़ा कचरा और जाने कितने तरह के रसायन मुझ में मिलाते जा रहे हो, और यही पानी नल के द्वारा आपके घरों में आता है जो तुम रोज पीते हो। लेकिन आप तो शहर में फिल्टर में से शुद्ध होके ही हमारे घर में आते हो ना? हाँ, ये तो सच है, लेकिन कई कीटाणु और जहरीले पदार्थों के कुछ अंश रह जाते हैं और तुम्हें बीमार भी कर सकते हैं। मैं पहले से ही नैसर्गिक रूप में शुद्ध रहता हूँ, लेकिन इस मनुष्य जाति ने मुझे अशुद्ध करके रख दिया है। लेकिन मेरे घर में तो वाटर प्यूरिफायर लगाया है। पर ये सबके घरों में तो नहीं होता, उन लोगों का क्या होगा? और कई कीटाणु ऐसे होते हैं कि उन्हें कौन सा भी प्यूरिफायर शुद्ध नहीं कर सकता। इस तरह का पानी पी के तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती। हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हुई है। हम पानी में अब कुछ नहीं फेंकेंगे। हम ऐसा करने वालों को भी रोकेंगे। शाबाश बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। याद रखो, जहाँ शुद्ध पानी वही निरोगी जीवन।